नमस्ते आप सब श्रोताओं को, आपके चैनल पर आने के लिए। जो भी आज नए श्रोता हैं उनके लिए आज के वर्तमान में आगे जाने से पहले इस लिंक पर आप जाकर के योग आसन भी सीख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सीख सकते हैं, खान पान के बारे में सीख सकते हैं, डाइट के बारे में सीख सकते हैं और स्लीप पैटर्न्स, सोने की विधि और कला। तो चलें आज के 179वें दिन के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ पर परमपिता परमात्मा हमें शक्तिशाली और अनुभवी मूर्त बनने के लिए कहते हैं, और हम अपने जो गहरे गहरे हमारे अंदर जो घाव हैं, वूंड्स हैं, उनको हम कैसे हील करें, उनको हम कैसे फिर से निहारें और उनको प्यार से बंद कर दें परमात्मा के ज्ञान के मलहम द्वारा। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या हैं वरदान में। बाबा कहते हैं, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले। कोई स्थिति आई, कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कह दिया, उस समय या तो हम रिएक्शन में आ जाएं या तो एक्शन में आ जाएं, नहीं तो फिर हम उस समय मन शक्ति के द्वारा अपने आप को स्टेबल करें, पहले चुपचाप रहें। जैसे कि हमने पिछले वरदानों में भी डिस्कस किया था कि गर्म गर्म तवे के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो छीटा होकर के जाएगा, तो उस समय हमें क्या रिप्लाई करना है, क्या हमें सारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कर लेना है, आँख कान मुख हाथ पैर, और कुछ नहीं चलाना उस समय, अंदर चले जाएं और अंदर ही अंदर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार कौन सा गुण, कौन सी शक्ति अपनानी है इस समय, क्या करना है क्या नहीं करना, उस सिचुएशन में आए। तो ये प्रैक्टिस के द्वारा आता है और मेडिटेशन ही हमें प्रैक्टिस कराती है इस चीज़ की। तो परमात्मा कहते हैं, मनन शक्ति द्वारा पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विजय विघन प्रूफ भवा। विघन क्या आते हैं? विघन हमारी कमजोरियों की वजह से आते हैं, किसी और की वजह से नहीं आते हैं। हमारे अंदर कमी कमजोरी क्या हो सकती है? मूड ऑफ हो जाना, सैड हो जाना, चिंता में आ जाना, तो उस समय हमारी डिसीजन पावर, निर्णय करने की शक्ति और हमारी जजमेंट करने की शक्ति, और को जज नहीं करना, जज करना कि इस समय मेरे को क्या करना है, कौन सी शक्ति अपनानी है, नम्र रहना है, अहंकारी रहना है, बिल्कुल स्वीट रहना है या कड़ा बोलना है। तो परमात्मा कहते हैं ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें अनुभव के अनुसार पता चले कि इस सिचुएशन में पिछली बारी मैंने गलत गुण अपनाए थे, अवगुण अपनाए थे, जिस कारण से मेरी सिचुएशन और बिगड़ गई थी, तो इस समय मैं चुप रहूं और इस समय मैं आराम से प्यार से बात करूं और सब चीज़ समझा दूं। तो ये चीज़ें तो बहुत बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न तरीक़ों से हमारे सामने आएंगी और हर एक सिचुएशन में हर एक गुण अप्लाई नहीं हो सकता, हर एक क्वालिटी अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन हाँ परमात्मा चाहते हैं कि हम विघन प्रूफ बने। देखें परमात्मा विस्तार में क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पावन शक्ति व हजम पाचन शक्ति सॉरी शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति वह हजम करने की शक्ति आवश्यक है। कोई भी खाना खाया, अगर हमारा एंजाइम्स नहीं है पेट में ठीक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, लैक्टोबैसिलस नहीं है हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, हमारे लिवर, हमारे जूसेस, बाइल डक्ट, हमारे जूसेस अगर सिक्रीट नहीं कर रहा है ठीक से, तो हमारा पाचन अच्छा नहीं होता है, इस कारण से आपको पता है क्या क्या होता है। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं, अगर हम इस ज्ञान को जो हमें परमात्मा देते हैं उसको अगर हम ठीक से पचाएंगे नहीं, हमने खा तो लेकिन पचाया नहीं, मतलब सुन लिया इस ज्ञान को लेकिन उसको हमने सोचा नहीं उसके बारे में, अगर सोचेंगे नहीं तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो फिर वो आपके विटामिन मिनरल्स मतलब ज्ञान रूपी विटामिन मिनरल्स नहीं बनेंगे जो कि आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं। तो अगर हमने खा लिया, फास्ट फूड खा लिया और सीधा खा लिया, उसके बाद में हमने कुछ नहीं, हमने डाइजेस्ट नहीं किया उसको, या हमने कोई इंजाइम हमारे अंदर कमी है तो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो आपको पता क्या होता है। तो हमने फटाफट खा लिया, ज्ञान भी फटाफट सुन लिया, लेकिन उसको अगर हमने सोचा नहीं और गहराई से, तो सिचुएशन आई, हमें पॉइंट भूल गया, क्या करना चाहिए था, वो शक्ति नहीं आई, वो शांति हमारे अंदर नहीं रही, तो उस समय वो जो सिचुएशन है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, हमें लग गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, ज्ञान को पचाना है, उगाड़ना है। जैसे गाय क्या करती है, घास खाती है, लोगों को चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है, तब जाकर के क्या होता है, दूध बनता है, उससे दूध से क्या है, शक्ति मिलती है। परमात्मा कहते हैं, इस ज्ञान को भी आप वैसे ही ट्रीट करो कि आप ज्ञान को सुनो और उसके बारे में सोचो, उसके बारे में, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये पॉइंट जो परमात्मा ने कहा है, बाबा ने कहा है, इसको अगर मैं फिर से, अगर ये सिचुएशन है तो उसको अप्लाई करूं तो कैसा रहेगा, क्या मैं तैयार हूं। तो मन के अंदर रिहर्स करना उस चीज को, उसको कहते हैं मेडिटेशन, रिहर्सल करना मन ही मन में कि किसी ने सपोज आके मेरे को क्रोध से कुछ बोल दिया, मैं उस समय कैसा रहूंगा। ओके, अपने आपको विजुलाइज करना, आंखें भी नम्र है, आपकी आंखें बिल्कुल क्रोध में नहीं है, कान भी आपके बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल मुख से भी कुछ मुख बोल रहा नहीं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा आपके मुख से कुछ, आप चुपचाप हैं। ये चीज़ रिहर्स करना भी एक मेडिटेशन है, विजुलाइजेशन पावर को यूज़ करना। परमात्मा चाहते हैं कि हम इसके अनुभवी मूर्त बने। तो बाबा कहते हैं कि करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए, सोचने की शक्ति, मेडिटेशन में बैठना, अपने आप को विजुलाइज करना, उन सिचुएशंस में डालना,
उन परिस्थितियों में डालना और अपने आप को देखना कि मैं इस समय कैसे, ये परिस्थिति आ जाए तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा या करूँगी, इसको कहते हैं मनन शक्ति। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। आपने उसको एक्सपीरियंस किया मनी मन में, वर्चुअल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, आजकल तो वर्चुअल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका है कि आप वर्चुअल गेम्स खेल सकते हैं, वर्चुअली आप कहीं पर प्ले कर सकते हैं अपने आपको, कहीं कहीं भी दिखाते हैं कि वर्चुअल लेंस लगाया और आप उस दुनिया में पहुंच कर वहाँ पे आप हर चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, सिचुएशन एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड मतलब कि एक एक आपका एक सिमुलेशन जैसा, कि आपने जैसे फ्लाइंग के क्लासेस में दिखाते हैं कि आप प्लेन उड़ाने से पहले आप सिमुलेटर पर बैठते हैं, तो वैसे ही मेडिटेशन भी एक सिमुलेटर जैसे है कि आप बैठे हुए हैं, आप फ्लाइंग कर रहे हैं, अचानक से क्या होगा, आपका एक इंजन काम करना छूट गया, मतलब कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने कोई सिचुएशन आ गई, धन की प्रॉब्लम आ गई या किसी सिचुएशन के कारण से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आ गई, तो एक आपने क्या किया, सिमुलेशन क्रिएट किया मेडिटेशन के टाइम पे। ये सिचुएशन आई मेरे मन में, मैंने परमात्मा के ये पॉइंट्स यूज़ करे और वो सिचुएशन में मैंने जो प्लेन जो गिर रहा था उसको बचा लिया, मेरे जीवन रूपी प्लेन में जो एक्सीडेंट होने वाला था मैंने उस जीवन रूपी अपने प्लेन को बचा लिया। तो वो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे अनुभव बढ़ते हैं, और जब वो प्रैक्टिकल में वो सिचुएशन आती है तो हम उस समय हम एकदम निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, जजमेंट करने की शक्ति हमारे अंदर होती है, तो हम परख पाते हैं क्या करें क्या ना करें उस समय। लेकिन अगर मेडिटेशन में क्या नहीं, कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया ज्ञान को, हाँ मुरली सुन ली, मेडिटेशन सुन लिया, स्पिरिचुअल नॉलेज सुन ली, तो कोई फायदा नहीं उसका। तो परमात्मा कहते हैं अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वो कंप्लीट रहते हैं, उनको पता है कोई भी सिचुएशन आएगी तो मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, है ना। जैसे घड़े के अंदर पानी होता है तो घड़े का पानी जो भरा होता है उससे ज़्यादा आपका क्या नहीं होता, पानी गिरता नहीं घड़े से, लेकिन जो आधा भरा हुआ था पानी उसमें छलकता बहुत है और पानी गिरता भी है। तो हमें कंप्लीट होना है इस ज्ञान से। वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। शक्तिशाली माया प्रूफ मतलब कि हमारे अंदर कमी कमजोरियाँ नहीं रहती, हम अपने अंदर के जो घाव होते हैं, किसी ने कुछ 10 साल पहले कही थी बात, हमने उसको ब्लेम करके, हमने उसके ऊपर क्रोध करके, उसके ऊपर चिल्ला करके हमने उस चीज़ को दबा तो दिया, लेकिन वो घाव अंदर के अंदर रह गया, हमने ना गुणों से ना शक्तियों से उसको हमने अपने अंदर को हील किया। तभी 10 साल बाद में किसी और व्यक्ति ने वही चीज़ बात बोल दी तो हमारे अंदर क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, घृणा आ गई, नफरत आ गई, हमने फिर से क्या किया, फिर से उसी इंसान को, फिर से जो सेकंड इंसान ने जिस चीज़ बोल दी उसको फिर हमें क्रोध करके, उसको भी चिल्ला करके, उसको उसकी जगह दिखा करके हमने उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया सिचुएशन को, लेकिन वो शांत नहीं हुई सिचुएशन, घाव अभी भी है, अंदर चोट है। तो हमारे अंदर वो रिएक्शन बार बार क्यों निकलता है, क्रोध क्यों निकल जाता है, अहंकार क्यों निकल जाता है, ईर्ष्या क्यों निकल आती है हमारे अंदर से, हम सहन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से हम कंप्लीट नहीं हैं, कोई गुण की कमी है, कोई शक्ति की कमी है, अपने आप से प्यार की कमी है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन चीज़ों को देखो मेडिटेशन में, मेडिटेशन सिर्फ ये मुरली सुन लेना या मेडिटेशन में सिर्फ वरदान सुन लेना वो नहीं है, मेडिटेशन में अपने आप को सिचुएशन में फिर से लेके आओ, फेस करो सिचुएशन को, एक सिमुलेटर जैसे अपने अंदर चलाओ, जैसे जहाज का एग्जाम्पल है, जहाज में पहले पायलट्स को प्रैक्टिस दी जाती है कि आप एक सिमुलेटर पे बैठ करके आप प्रैक्टिस करो, आपका इंजन फेलियर हो गया, ये हो गया, आप क्या करोगे, आप ऑक्सीजन मास्क छोड़ोगे, ये करोगे वो करोगे, आप लैंडिंग के लिए पानी के जहाँ पानी है वहाँ पे देखोगे, या आप लैंडिंग करने के लिए पहले इन्फॉर्म करोगे, आपका रेडियो नहीं चल रहा, क्या करोगे आप। तो उसी तरीके से हम भी अपने मन में मेडिटेशन करते हुए ऐसी सिचुएशन आ गई, इसने ऐसे बोल दिया, वो व्यक्ति ने ऐसे घाटा कर दिया, उसने मेरा धन का ये कर दिया, हमें अपने आप को उस सिचुएशन के लिए पहले ही मेडिटेशन में तैयार करके रखें, और फिर क्या गुण यूज़ करूँगा, क्या शक्ति यूज़ करूँगा, चिल्लाऊंगा नहीं, शांत रहूंगा, नम्रता में रहूंगा, ये क्रोध में रहूंगा, ये सब कुछ हमें सिमुलेट करना है अपने मन के अंदर, इसको कहते हैं मेडिटेशन। तो अनुभव बढ़ते हैं और हम माया प्रूफ हो जाते हैं, हमारे अंदर की कमी कमजोरियां फिर निकल करके नहीं आती, हम क्रोध में नहीं आते, अहंकार में नहीं आते, हम रिएक्ट नहीं करते, तो माया प्रूफ हो जाते हैं और हम विघ्न नहीं क्रिएट कर देते, हम सिचुएशन को और नहीं बिगाड़ देते, और विघ्न मतलब कि और परेशानियां नहीं क्रिएट करते, तो इसको कहते हैं परमात्मा माया प्रूफ शक्तिशाली, और आप विघ्न प्रूफ बने। तो आज का यही श्री वरदान, गहराई से सोचिएगा, और कोई कमेंट हो, कोई चीज मैंने छोड़ दी हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं कमेंट्स में। आज का आपका दिन शुभ हो, शक्तिशाली हो, और आप शांत रहें, खुश रहें। ओम शांति।